नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। नीमच से खबर है जहां पर अतिक्रमण पर चला है बुलडोजर। सरकारी इस जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ था, प्रशासन की टीम ने अवैध गुमटी को हटाया है। जय सिंहपुरा ग्राम पंचायत का मामला बताया जा रहा है, कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। तो नीमच में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली, बुलडोजर चला है अतिक्रमण पर, सरकारी जमीन से कब्जा हटाया गया, अवैध कब्जा सरकारी जमीन पर कर रखा था, प्रशासन की टीम ने अवैध गुमटी को हटाया है। जय सिंहपुरा ग्राम पंचायत का ये मामला। आबादी से दूर भी है, यहाँ लोगों ने अतिक्रमण करके अवैध मकान बना लिए थे और गुमटियाँ रख के अतिक्रमण किया था। इनको फिर पीएम आवास में विधिवत इनको वो भी दिया है, तो जो पीएम आवास में मकान मिला है उसको हमने छोड़ा है, और जो इन्होंने अवैध गुमटियाँ रखी है जिनको विधिवत बेदखली आदेश पारित करके आज हटा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, विश्वदेव शर्मा जुड़े हुए हैं फोन पर। विश्वदेव, क्या कुछ और जानकारी? जी नमस्कार, ये नीमच जिले में जनवरी महीने में प्रशासन का दूसरी बार बुलडोजर चला है, और नीमच से लगा हुआ ये जयसिंहपुरा पंचायत आती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि जिन लोगों के प्रधानमंत्री आवास में मकान है उन लोगों ने भी अतिक्रमण कर रखा है, और दूसरी बात गुमटियां भी लग गई थी तो कहीं कहीं, और जिस मार्ग को अभी मुक्त कराया गया अतिक्रमण, निकट भविष्य में यहाँ बाईपास प्रस्तावित है, नीमच राजस्थान को जोड़ता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो यह प्रशासन का बड़ा कदम है, और कहीं कहीं भूमाफियाओं पर भी एक संदेश है नए साल में कि अतिक्रमण पर सरकार इस बार सख्त रवैया दिख रहा है जिला प्रशासन का। विश्वदेव बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं दबों में अवैध कब्जे पर बुलडोजर दौड़ा, मणियादो बस्ती में अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई, थाने की बाउंड्री वॉल से अतिक्रमण को हटाया गया, कई दुकानों का अवैध कब्जा ध्वस्त हुआ है, कई अधिकारी और भारी पुलिस बल तैनात रहा कार्रवाई के दौरान। तस्वीरें भी सामने आई हैं, दमोह से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अवैध कब्जे पर बुलडोजर दौड़ा है, मणियादो बस्ती में अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई, थाने की बाउंड्री वॉल से अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं इंदौर में भी बुलडोजर चला है, सिंधी कॉलोनी में नगर निगम की कार्रवाई देखने को मिली, सड़कों पर दुकानों के बाहर बनाए अतिक्रमण को हटाया गया, तोड़ा गया, कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। इंदौर में भी बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है, सिंधी कॉलोनी में नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली, सड़कों पर दुकानों के बाहर जो अतिक्रमण करके रखा गया था दुकानदारों ने, उस अतिक्रमण को हटाया है, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है, कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।